स्वागत आपका, मैं राजेश व्यास। बीकानेर पर कस्टम पॉइंट और कोर्ट गेट पर ओवरब्रिज न बनने पर लोगों में खासा रोष है। इसी को लेकर के आज बीकाना एक्सप्रेस पहुंचा जनता के बीच में और बात की। मैं खड़ा हूं बीकानेर की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कस्टम पॉइंट पर। यहां की सबसे बड़ी समस्या है यहां पर ओवरब्रिज को लेकर, ना कि आजकल की नहीं लंबे समय की है। और इसकी गहराइयों में जाने के लिए ऐसे शख्स से हम बात करते हैं जिस शख्स के शब्दों में कोई मीन मिस्टेक नहीं है। हम बात कर रहे हैं समाज सेवी सावधान संस्था के अध्यक्ष दिनेश सिंह दोरिया जी। दोरिया जी, क्या लगता है आपको इस केस को लेकर? नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष सावधान इंडिया 077। वर्तमान में रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ और एलिवेटेड रोड निर्माणार्थ संघर्ष समिति का अध्यक्ष भी हूँ। ये समस्या बीकानेर की जनता के सामने पिछले 40 सालों से बराबर चल रही है। बीकानेर शहर को चीरती हुई रेलवे लाइन, रेलवे के बीकानेर के कम से कम 4 घंटे तक ये 24 घंटे में 4 से 5 घंटे ये रेलवे दरवाजा बंद होता है, जिसमें हजारों नागरिकों का समय खराब होता है, प्रदूषण होता है। मगर चंद स्वार्थी नेता और बीकानेर के तो एक भूतपूर्व विधायक जो कि 30 साल पहले विधायक रहे, हमारे आदरणीय हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थवश बार बार इसको न्यायालय में डाल करके और अपना एक ही उद्देश्य बना रखा कि हम इसको नहीं बनने देंगे। वो शहर से 20 किलोमीटर दूर रेल बाईपास की बात करते हैं, जबकि बीकानेर शहर की जनता 93 से 95% चाहती है कि यहीं पर इसी रोड पर एलिवेटेड रोड बने। ये पुराना मुद्दा है, 3 पीढ़ी हमारी गुजर चुकी है। जब एक विधायक साहब आत्महत्या की धमकी देते हैं वो हमारे सम्मान नहीं है। हम कतई नहीं चाहते कि वो आत्महत्या करें, लेकिन हाँ, 3 हमारी पीढ़ियाँ दुख पा चुकी है। ऐसे में इस एलिवेटेड रोड को न बनाते हुए बाईपास को शहर के 3 टुकड़े 2 टुकड़े करने के प्रयास किए गए, रेल के स्टेशन अलग शिफ्ट किए गए, तो बाईपास के निर्माण पर बीकानेर के अनेक युवा मुझ सहित आत्महत्या करेंगे। इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। रेल प्रशासन चाहता है, रेल प्रशासन ने ट्रायल की और रेल प्रशासन ने विजिबल माना कि यह पुल यहाँ पर बनना चाहिए। यही नहीं, इसी ट्रैक पर 5 ओवरब्रिज बन चुके हैं, वो व्यर्थ जाएंगे। उससे बढ़िया है कि इस एक को पुल को एलिवेटेड बना दिया जाए। भारत की ही नहीं, संपूर्ण देश में चले जाए, बाईपास कहीं भी रेल का नहीं बना। ये सर्वे हमारे लोगों ने किया, मीडिया ने भी किया। आज आपके चैनल के मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि बीकानेर शहर की जनता की समस्या, उनकी आवाज़ को आपने एक बार पुनः रेल मंत्रालय, राज्य सरकार और भारत सरकार तक पहुँचाने का काम किया। दिनेश जी, आपकी टीम का नाम आता है संघर्ष की टीम। जी सर, आपको पर्सनली मैं कहना चाहूँगा, यदि इसमें कोई दिक्कत आती है तो सावधान संस्था क्या करेगी? इस मामले में हम नहीं चाहते थे कभी चेतावनी दें। हम आत्महत्या पर विश्वास नहीं करते, हम संघर्ष पर विश्वास करते हैं। लेकिन एक भूतपूर्व 30 साल पूर्व के विधायक, वो अधिवक्ता भी हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के हमारे महान व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने आपने आत्महत्या तक की धमकी दी कि मैं बाईपास का निर्माण ही करा के रहूंगा, एलिवेटेड बनी तो मैं आत्महत्या करूंगा। ऐसी परिस्थिति में हम युवाओं को मजबूर होकर के ऐसे भूतपूर्व विधायक को वापस चेतावनी देनी पड़ रही है और प्रशासन को बताना जाना पड़ रहा है कि यदि बाईपास बना तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम 11 लोग तो पहले ही जिला प्रशासन को लिख के दे चुके हैं, यदि बाईपास बना तो आत्महत्या जैसी कदम हमें उठाने को मजबूर कर रहेगा, वो प्रशासन का काम हो। आपको बता दें, सावधान संस्था बीकानेर की ऐसी टीम है जो किसी भी कदम में पीछे नहीं हटती। हमने मुलाकात की थी हमारे राष्ट्रीय सावधान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सिंह भदौरिया से, उनका कहना है इसमें यदि रुकावट आती है तो हमारी टीम साथ खड़ी होगी। बीकानेर एक्सप्रेस के लिए राजेश व्यास, बीकानेर। आज बात करते हैं बीकानेर की एक ऐसी संस्था जो लंबे समय से समाज सेवा का काम कर रही है, जो अनाथ लाशों को संभालने, अनाथ बच्चों को संभालने, अशिक्षित को पढ़ाने व बेसहाय का सहारा बनने का काम करती है। बीकानेर एक्सप्रेस ने खास बातचीत की सावधान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर दिनेश सिंह भदौरिया से। आज हम बात कर रहे हैं बीकानेर की एक ऐसी संस्था, ना कि बीकानेर बल्कि ऑल ओवर इंडिया में एक अच्छा वर्क कर रही है। इतना वर्क कर रही है, चाहे गुमनाम बच्चे हो, चाहे लावारिस लाश हो, या कोई भी ऐसा काम जो समाज की आंखों के नीचे हो, उजागर करने का काम हमारी संस्था सावधान 077 कर रही है। आज हम मुलाकात करते हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और जानेंगे संस्था को बनाने का कारण। भदौरिया जी, क्या लगा आपको कि राजनीतिक दल जो है कमजोर पड़े, आपको ये संस्था बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आभार आपका, आपके चैनल ने इस नाचीज को कुछ जाना। मैं जब 19 वर्ष का था तो मेरे मोहल्ले में एक लावारिस
जिसके कोई बच्चे नहीं थे, उस लाश को मैंने देखा तो कुछ ऐसे लोग वहाँ पर चंदा करते पाए गए और उस लाश की दुर्गति सी कर रहे थे और पता भी चला कि वो रक्त के अभाव में वहाँ खत्म हो गया। ऐसे में हमने संकल्प लिया, स्वामी विवेकानंद के हम शिष्य रहे हुए हैं और स्काउट में मैंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया और फिर मैंने संकल्प लिया 19 वर्ष की उम्र में कि मैं अपने जीते जी किसी भी लावारिश अथवा किसी परिचित अपरिचित को रक्त के अभाव में नहीं मरने दूंगा। उसी दिन ये संकल्प चल उठा और हमारी संस्था का नाम सभी शहरवासियों के प्रेम से बीकानेर के अंदर सावधान इंडिया 077 प्रारंभ हुआ। हमारी संस्था पिछले 35 सालों से लगभग 4,500 से अधिक लावारिश लापता लोगों को ढूंढ करके उनके परिजनों तक पहुंचाने का अनुकरणीय कार्य बीकानेर ही नहीं संपूर्ण देशवासियों के सहयोग से, तमाम मीडिया के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, पुलिस के सहयोग से करती आई। कोई चंदा नहीं लिया और परिजन उनको मिल गए। ये सब निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सेवाएं थी। सावधान इंडिया रक्तदान के क्षेत्र में संपूर्ण भारत में इसलिए चर्चित है कि हमारे भारतवर्ष में करीब 70-80 शाखाएं हैं। वो सभी कार्यकर्ता अपने अपने व्यवसायी हैं, सरकारी नौकर भी हैं, लेकिन गैर राजनीतिक काम कोई नहीं करता, गलत काम कोई नहीं करता। सबका एक उद्देश्य रहता है कि समाज सेवा करनी है, राजनीतिक सेवा नहीं करनी। जी आपको परिवार परिचालन के लिए एक सरकारी नौकरी भी शायद मिली थी, आपने उसका भी लुभाव दिया था। जी हाँ, मैं भारतीय रेल में MCM के पद पर रेलवे वर्ष बीकाने में कार्यरत था। मेरे को कुछ मेरी सर्विस कंफर्म थी, सेवानिवृत्ति में 10 साल थे, लेकिन कुछ बाधाएं आ रही थी समाज सेवा के क्षेत्र में। वर्तमान समय में स्वार्थपरक रेल अधिकारी कतई नहीं चाहते कि उनका कर्मचारी कोई ऐसी गतिविधि करे, उनकी दृष्टि में जो राजनीति लगती है, समाज सेवा को भी लगभग वो लोग राजनीति ही समझते हैं। ऐसी स्थिति में मैंने अपनी नौकरी को तिलांजलि दिया बगैर किसी दबाव में, परिवार की और मित्रों की इच्छा से। दुर्गा जी, आज के समय में संस्थाएं जो है कार्य कर रही है, आप इस धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति हस्तक्षेप होता है। अगर आपको आगे लगा कि नहीं राजनीति इन्वॉल्व होना चाहिए, तो क्या आप राजनीति में आओगे? मैं कतई राजनीति का विरोध नहीं करता। हमारे आदर्श के रूप में अटल जी रहे, वो मेरे आदर्श हैं। आज की तारीख में भी कहें हिंदुस्तान के मोदी जो विश्व प्रसिद्ध हैं, वो मेरे आदर्श हैं। राजनीति से हमें नफरत नहीं, राजनीति में सोच और विचारधारा से नफरत है। और आवश्यकता ही नहीं, हमारे कार्यकर्ता हर वर्ष 5 से 7 कार्यकर्ता हर 5 साल बाद पार्षद के रूप में चुने जाते हैं और वो कभी कभी राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारा सहयोग कर देते हैं, लेकिन वो शर्त हमारी एक ही रहती है कि हम राजनीतिक में चंदा नहीं देंगे, NGO की तरह पैसा नहीं लेंगे, पब्लिक से चंदा नहीं करेंगे। हमारे आपस के ग्रुप में जितने भी बंधु हैं 250-150 अलग अलग 70-80 भी हैं, कहीं 150 हैं, वो लोग आपस में आर्थिक सहयोग कर किसी गरीब की मदद भी करते हैं। और ये लास्ट सवाल है ये हमारा आपसे कि जैसे दीपावली पे आप यहाँ लगाते हो आग बुझाओ के लिए, हालांकि बीकानेर की जनता आपसे वाकिफ है, लेकिन फिर भी बीकाना और आसपास की आवाज के लोगों से हमें बाहर को बताना चाहते हैं कि इसके अलावा आप कौन कौन से कार्य करते हो जिससे जनता जुड़ी रहे, उनका कुछ पूरा ना हो। पिछले 20-25 वर्षों से हमें ऐसा महसूस हुआ कि फायर ब्रिगेड हर शहर में है, लेकिन कंजेस्टेड एरिया में पतली गलियों में फायर ब्रिगेड जाती नहीं और वो आग बढ़ती 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 विकराल रूप ले लेती है। ऐसे में आज से 7 वर्ष पहले हमने एक विचार बनाया जो संपूर्ण हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। प्राइवेट फायर एजेंसियाँ बहुत हैं, लेकिन हमने अपनी एक एजेंसी स्थापित की हेल्पलाइन के नाम से। दीपावली के 3 दिन पहले और दीपावली के 2 दिन बाद तक 24 घंटे हमारे कार्यकर्ता अपने अपने आग बुझाने के इंस्ट्रूमेंट के साथ में उपलब्ध रहते हैं और हमने 14 से 15 आगे अपने स्तर पर बुझाई और ये काम धीरे धीरे कुछ लोगों ने और भी करना शुरू किया, उसके लिए भी हमें अच्छा लगा। यही रक्तदान के क्षेत्र में हम आज हमारी संस्था प्रेरणा बन चुकी है और उसी का परिणाम है बीकानेर जनता का प्यार है कि मात्र 55 साल की उम्र में 113 बार रक्तदान हमने। हमारे पीछे साथी जो खड़े हैं जिनके सने नाम लूँ तो अनवर जी, अनीस जी, हिम्मत जी, कोई 15 बार, कोई 14 बार, शिवम भदौरिया जो मेरा अभी पुत्र है मात्र 22 साल का, उसने 21 बार। इस तरह से हम लोग सैकड़ों कार्यकर्ता हैं रक्तदान करके, किसी को भी मरने के लिए रक्त के भाव में कतई सोच नहीं सकते कि वो हमारे होते हुए खत्म हो, ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण सेवा होगी। ये थे ठाकुर दिनेश सिंह जी भदौरिया, सावधान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने हमें समय दिया इसके लिए।